हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच को कैसे फायरबोल्ट के ऐप से कनेक्ट करोगे। तो बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है फायरबोल्ट के लिए। तो यहाँ FB एक्टिव नाम का ऐप आएगा फायरबोल्ट का, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मैं इस ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ऐप को ओपन करने से पहले आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर देना है और फिर ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो ऐप का लोगो देखने मिलता है, फिर यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है, IC पे क्लिक करना है और विजिटर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो विजिटर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये ऐप ओपन हो जाता है, पर ये लोड लेता है। तो एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन रहना है, क्योंकि कितने लोगों को इशू आ रहा है विजिटर लॉगिन में लॉगिन करने के लिए। तो आपको ऑनलाइन रहना है तो ही लॉगिन कर पाओगे, और ईमेल आईडी से लॉगिन मत करना। फिर सेव पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ आपको अलाउ कर देना है नोटिफिकेशंस को। लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ आपको स्टेप्स, आप कैलोरी सब देखने मिलेगा। स्पोर्ट्स में आप देख सकते हो तो मैप खुल जाता है आपकी सिटी का, और आप देख सकते हो कि आपने कितने किलोमीटर्स का वर्कआउट किया। डिवाइस में आपको वॉच के पूरे फीचर्स मिलेंगे, और माइंड में आपको आपकी प्रोफाइल मिलेगी, और यहाँ स्टेप का टारगेट भी मिल जाएगा। तो आपको डिवाइस में जाना है और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है, इसको टर्न ऑन पे क्लिक करना है और वॉच को फाइंड करने के लिए अलाउ करना है। तो वॉच अभी सर्च हो रही है, तो यहाँ फायरबोल्ट का वॉच का नाम आ चुका है, आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ वॉच कनेक्ट हो चुकी है, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ सब कुछ लोड हो जाता है। आप देखोगे तो वॉच फेस भी अभी लोड हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन लोड होता है तो कुछ सेकेंड्स लगते हैं। तो आपको सबसे पहले वॉच को फाइंड करना है, ये चेक करने के लिए कि वॉच कनेक्ट हुई या नहीं। तो गाइज, ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आप वॉच में ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको सब बता दूंगा। सबसे पहले आपको वॉच फेस ओपन करना है। तो आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है वॉच फेस की, आप यहाँ से कोई भी वॉच फेस सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। तो मैं आपको यहाँ से एक वॉच फेस सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लाइव वॉच फेस भी लगा सकते हो अपनी वॉच में, और यहाँ से आप नीचे स्वाइप करोगे तो आपको पूरे वॉच फेसेस मिल जाएंगे, और इसमें कम से कम 500 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस हैं। तो मैं डायनामिक वॉच फेस से आपको एक वॉच फेस लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये वाला वॉच फेस लगा के दिखाऊंगा। तो डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फोन में डाउनलोड होगा, फिर वॉच में अपलोड होना स्टार्ट होगा। और जब भी डाउनलोड होगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डाउनलोडिंग के टाइम आपको ऐप को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ना ही वॉच को करना है, नहीं तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, डिस्कनेक्ट मत होने देना। तो आप देख सकते हो वॉच फेस सेट हो चुका है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में सेट हुआ है। मैं आपको इसका टाइम फॉर्मेट भी चेंज करना सिखा दूंगा, जैसे कि अभी 24 आवर्स पे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ आपको वॉच की सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ आपको जाना है टाइम फॉर्मेट में। तो यहाँ से मैं टाइम फॉर्मेट में जाऊँगा, तो यहाँ ऑटो पे है, तो इसको ऑटो को ऑफ कर देना है आपको, और इस पर क्लिक करना है। तो आप देखोगे तो यहाँ 24 आवर्स फॉर्मेट है, इसको 12 आवर्स पे क्लिक कर लेना, तो आपका टाइम फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी खुद की फोटो कैसे लगाओगे। तो ये ऐप में काफी अच्छे फीचर्स अपनी खुद की फोटो लगाने के। ये ऐप में आप तीन टाइप से, एक कि आप सिंगल फोटो लगा सकते हो, एल्बम मल्टीपल फोटोज लगा सकते हो, और खुद की वीडियोज भी लगा सकते हो। तो काफी अच्छे फीचर्स है। मैं पहले आपको सिंगल फोटो लगा के दिखाऊंगा। आपको सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है, ऐसे सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे, गैलरी को अलाउ करना है, अलाउ करोगे पूरी फोटोज ओपन हो जाएगी। तो गाइज, मैंने गैलरी में से ये वाली फोटो ली है, आप इसको जूम कर सकते हो या बैक भी कर सकते हो। फिनिश पे क्लिक करोगे तो फोटो रेडी हो जाएगी सेट के लिए। क्लॉक को आप फोटो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, नीचे रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, और नो क्लॉक पे भी क्लिक कर सकते हो, मतलब सिर्फ आपकी खुद की फोटो ही रहेगी वॉच पे। और आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हो फोटो के अकॉर्डिंग, कि आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो कस्टम वॉच फेस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपकी खुद की फोटो सेट हो चुकी है, आप ऐसे अपनी खुद की फोटो लगा सकते हो, और बिल्कुल HD में सेट हुई है। गाइज, मैंने इस वॉच पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, मैं वीडियो के एंड में लगाऊंगा, प्लीज़ चेक करना, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। आप कॉलिंग कैसे करोगे, व्हाट्सअप, वैसे तो मैं आपको अभी भी बता दूंगा। फिर यहाँ आपको एल्बम का ऑप्शन मिलता है, एल्बम में आप 5 फोटोज ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको 5 फोटोज लगा के दिखाऊंगा, आपको बस ऐड करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप 5 फोटोज ऐड करोगे तो 5 फोटोज आ जाएगी। आपको क्लॉक को सेट करना है फोटोज के अकॉर्डिंग, कि आपको कैसी चाहिए।
तो मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ हर एक फोटो को कि हमें फोटो कैसी चाहिए। उसके बाद मैं ऐसे फिनिश पे क्लिक कर लूँगा ऊपर। फिर आप हर एक फोटो के अकॉर्डिंग क्लॉक सेट कर सकते हो, पर पूरी फोटोज में एक ही टाइप की क्लॉक आती है, या तो नीचे या तो ऊपर। और कोई कलर भी सेट किया तो पूरी फोटोज में एक ही आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा व्हाइट और ब्लैक ही कलर रखना, क्योंकि मल्टीपल फोटोज लगाओगे तब। और इसको इंस्टॉल पर क्लिक करना। इसको इंस्टॉल होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि 5 फोटोज इंस्टॉल हो रही है एक स्मार्ट वॉच में। तो आप देख सकते हो कि सेट हो चुका है। आपको फोटो चेंज करने के लिए बस दो बार डिस्प्ले पर क्लिक करना है और आप ऐसी फोटोज चेंज कर सकते हो। तो ऐसे आप 5 फोटोज लगा सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में। नेक्स्ट फीचर मैं आपको बताऊं तो आप अपनी वीडियो लगा सकते हो। मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूं। तो यहां से मैंने एक वीडियो ली थी, तो ये आप इसमें 1 सेकंड तक की ही वीडियो लगा सकते हो। तो मैं 1 सेकंड की आपको वीडियो सेट कर सकता हूँ। आप चेंज भी कर सकते हो आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए फ्रेम, और फिनिश पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे वीडियो आ जाएगी और आप इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो। तो सिर्फ 1 सेकंड की ही वीडियो आती है, 1 सेकंड, सिर्फ ओनली 1 सेकंड की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ 1 सेकंड तक की फोटो सेट हुई है। पर आप देखोगे तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल HD में है ये वीडियो। तो आप ऐसी अपनी खुद की कोई वीडियो लगा सकते हो वॉच में। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बता देता हूँ। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप यहाँ से गेम्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ ऐप मार्केट है, तो यहाँ से मैंने गेम इंस्टॉल की है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा वॉच में। तो यहाँ बस आपको गेम्स में जाना है। तो आप देख सकते हो मैंने डायनासोर की गेम इंस्टॉल की थी, या डायनासोर की गेम ऑन हो चुकी है। तो आप ऐसी ही कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ से बलून वाली गेम इंस्टॉल की तो ये भी डाउनलोड हो जाएगी सेकेंड्स में और इंस्टॉल हो जाएगी वॉच में, और आप वो वाली गेम भी प्ले कर सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ दूसरी भी गेम आ चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ बलून वाली गेम भी आ चुकी है वॉच में। तो आप देख सकते हो कि इसमें बलून वाली गेम भी आ गई है। तो आप ऐसी ही गेम्स भी इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वॉच में। फिर मैंने इस पे एक मोशन सेंसिंग गेम पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। प्लीज मेरा चैनल विजिट करना और मैं वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में भी लगा दूंगा। हार्ट रेट मॉनिटर में आप एवरी 30 मिनट्स में हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। हेल्थ रिमाइंडर में आपको वॉच हेल्थ के लिए रिमाइंड करती है। ब्लूटूथ कैमरा, तो यहाँ आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो चुका है और आप वॉच के थ्रू फोटोज क्लिक कर सकते हो। जैसी फोटो क्लिक करोगे गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर आप अलार्म ऐड कर सकते हो, राइज टू वेकअप डिस्प्ले ऐड कर सकते हो। यहाँ आप वेदर की नोटिफिकेशन गेट कर सकते हो। कार्ड में आप अपने कार्ड ऐड कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो वॉच के थ्रू। और यहाँ आप माय पेमेंट कोड से आप कोड ऐड कर सकते हो पेमेंट का। और यहाँ आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो और कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ सेव हो जाते हैं। और गाइस आप वॉच को सॉफ्टवेयर भी यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वॉच को कनेक्ट किया था तो इसका वॉच का सॉफ्टवेयर आया था, पर अभी ये अप टू डेट ही है। तो गाइज ये थे पूरे फीचर FP फायरबोल्ट एक्टिव ऐप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।